हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और घरों में हैं सब लोग, लॉकडाउन खुलने ही वाला है और थोड़ी सी टेंशन में हूँ। ये आपको बताऊँगी बाद में कि मैं क्यों हूँ टेंशन में। और अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे पिक्चर्स जो तो मेरी फैमिली के हैं। मैं आपको आज अपनी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ। और लॉकडाउन में मैं अपनी मम्मी के भी घर नहीं जा पा रही हूँ, उनसे मिल नहीं पा रही हूँ, भाइयों से नहीं मिल पा रही हूँ और फैमिली मेम्बर से मैं अभी बात नहीं हो पा रही है। मतलब मेरी फ़ोन पर ही बात हो रही है। और मैं आपसे ऐसे पिक्चर शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं बहुत छोटी सी हूँ। और वो पिक्चर देख के मतलब मुझे भी इमोशनल सी हो गई। इतनी सारी पिक्चर्स देखी मैंने अपनी फैमिली की। तो आज मैं आपको ऐसी ऐसी पिक्चर्स दिखाती हूँ जो आपको पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं मेरी पिक्चर्स, वैसे उसके बाद बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं मिला रही हूँ आपको अपनी मम्मी से। और ये है मेरी मम्मी। और बहुत मतलब घर में अभी मतलब मैं हूँ अकेली। मतलब ये जो छोटी सी बच्ची है ना, ये मैं हूँ। तो मुझे भी देख कर यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। और ये अगेन मम्मी की फ़ोटो है। और मम्मी मतलब मैंने पहले की मम्मी की फ़ोटोज़ देखी ना, मुझे पता लगा कि अब मैं जैसी दिखती हूँ, मेरी मम्मी बिल्कुल वैसी थी। मतलब मैं मम्मी के जैसी दिखती हूँ बिल्कुल। मम्मी तो मेरे जैसी नहीं दिख सकती ना, वो तो पहले थी, पहले आई है, मैं बाद में आई हूँ। तो मम्मी बिल्कुल मम्मी के जैसी मैं दिखती हूँ। तो आई एम सो लक्की कि मैं मम्मी के जैसी दिखाई देती हूँ। तो ये मैं हूँ पिंक सूट में, और सबसे कॉर्नर में बैठी हूँ, राइट साइड में मैं, फिर मेरी कज़न सिस्टर येल्लो में, एंड देन माई ब्रदर, और फिर आफ्टर दैट माई सिस्टर। और ये हैं मेरी मम्मी और मेरी ताई जी हैं, और मेरी कज़न सिस्टर जो है ये गोद में छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। आज भी हम लोग एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं और अभी भी बातें होती रहती हैं। तो बचपन की फ़ोटो देखकर याद आ जाता है बचपन का टाइम, और बहुत सारी चीज़ें एकदम ना मेमोरेबल हो जाती हैं दिमाग में, बिल्कुल फ्लैशबैक में चले जाते हैं हम लोग। ये है मेरा भाई, जो छोटा बड़ा वाला भाई है वो है ये, मतलब मुझसे तो छोटा है, बस दो भाई हैं तो उसमें से बड़ा है। तो और ये है मम्मी की मेरी अभी की फ़ोटो, जो लास्ट ईयर मेरे कज़न ब्रदर की शादी हुई थी तब की ये फ़ोटो है। और देख लो मम्मी अभी ऐसी दिखती है, मतलब बुढ़ापे में ना मैं बिल्कुल ऐसी दिखने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी जब यंग थी वो पिक्चर्स मैं देखती हूँ। तो अभी मैं जैसी हूँ बिल्कुल वैसी मम्मी दिखाई दे रही है। और ये हो रहा है मेरे भाई का बर्थडे, और इसमें पीछे से मैं झांक रही हूँ ना, जो सब आँखें आँखें नज़र आ रही है वो मैं हूँ, और नीचे मेरी कज़न सिस्टर है, ये मेरे फूफा जी हैं जो केक कटिंग करवा रहे हैं। और इसमें देखो वाइट साड़ी में जो है वो है मेरी दादी, यानी हम जिया बोलते थे दादी को। और ये नीचे लाइट पिंक साड़ी वाली मम्मी है, और दूसरे मम्मी के साइड में जो बैठी हुई है वो ताई जी हैं। ये पीछे ग्रीन वाली बुआ हैं, पापा हैं वाइट वाले, और जो ऊपर खड़े हुए थे मेरे फूफा जी। ये है मेरे छोटे वाले भाई की फ़ोटो, मोहित जो छोटा वाला भाई है मेरा, और अभी तो हो गया है वो 22-23 साल का। और अभी देखो उसकी फ़ोटो कितना क्यूट लग रहा है। और ये है मेरा बड़ा वाला भाई, और डार्क कॉम्प्लेक्शन है हम तीनों भाई बहनों का, मतलब मेरा दोनों भाई बहनों का, मतलब मेरा और बड़े वाले गौरव का। और जो कॉम्प्लेक्शन वाइट मतलब फेयर है वो है मेरी सिस्टर छोटी वाली, और उसके अलावा मेरा छोटा वाला भाई, दोनों का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, हम दोनों थोड़े सांवले सांवले से हैं। ये है मम्मी की यंग थी जब मम्मी, तो वो वाली फ़ोटो है मम्मी की। और ये है मेरे मम्मी पापा, दोनों की फ़ोटो है, दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं पापा भी वैसे, और देखकर लगा नहीं मुझे कि यही पापा हैं। और ये हूँ मैं बिल्कुल मम्मी के जैसी। और ये फ़ोटो मम्मी कह रही थी कि मैं नानी के यहाँ जाने की ज़िद कर रही थी, तो नानी के यहाँ तो लेके गई नहीं मम्मी, तो मुझे स्टूडियो ले गई कि चलो फ़ोटो खिंचवा देते ताकि ये खुश हो जाएगी। और देखो मम्मी का सेम बिल्कुल वही पोज है जो मेरा पोज है, मतलब मम्मी के जैसा पोज मेरा दोनों का। मैंने फेसबुक पर भी ये फ़ोटो शेयर की तो बहुत सारे कमेंट्स और वो लाइक्स आए कि मम्मी का और मेरा सेम पोज है बिल्कुल, जो येलो ड्रेस थी मेरी पीछे। और ये है मेरे बर्थडे की फ़ोटो, ये जो सांवली सी लड़की है ना ये मैं हूँ, रेड सा लहंगा पहना हुआ है। मैंने कहा मम्मी इतनी गंदी ड्रेस मुझे बर्थडे में पहना दी, तो मम्मी कह रही कि तूने ज़िद करके ये पहना था कि मुझे यही पहनना है, यही पहना है, पता नहीं किसका देख लिया था तो वही पहनना था। ये हूँ मैं छोटी सी क्यूट सी गोलू मोलू से, उसके बाद तो मैं बड़ी हो गई ना, बहुत बेकार लगने लगी, मतलब इतनी पतली थी बिल्कुल पतली, मतलब 28 kg मेरा वेट था, तो मैं फिर भी ठीक लगती हूँ। और ये है मेरा भाई बड़ा वाला। हाँ एक चीज़ आपसे मेरे को शेयर करनी है, एक वीडियो बनानी है जिस पर मुझे बताना है कि मेरा वेट दो बच्चे होने के बाद भी जो मेरा वेट था वो था ओनली 28 kg। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, और उसके देखो मैं इसमें कितनी पतली हूँ, इसमें इतना ही वेट है मेरा। और शादी से पहले भी मैं बहुत पतली थी, 30 kg से ज़्यादा कभी मेरा वज़न नहीं हुआ, और बच्चे होने के टाइम पर भी मेरा ज़्यादा वेट नहीं हुआ, 35 kg तक गया था जब मैं प्रेगनेंट थी, और उसके बाद भी मेरा वेट मतलब कि बिल्कुल कम ही था, और भी लॉस हो गया 27-28 kg। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, अभी मेरा 40 kg से अबव वेट है, और अब मैं मुझे लगता है कि परफेक्ट हूँ, बल्कि थोड़ा सा ना 2-4 kg और बढ़ाना है मुझे। तो ये कैसे हुआ पॉसिबल ये मैं आपको बताऊँगी, कोई आपको डिब्बे पाउडर वाउडर के नहीं खाने हैं। और ये है मेरी स्कूल में 12th क्लास में थी मैं तब की फ़ोटो है,
कॉलेज की फ़ोटो इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सारी पिक्चर्स ना मैं आपको एक साथ शेयर करूँगी, पूरी कॉलेज की मेरे 3 ईयर्स की जो गोल्डन मेमोरीज़ है वो सारी एक साथ शेयर करूँगी। और गौरव जो मेरा बड़ा वाला भाई जो पीछे आपने फ़ोटो देखी थी वो ये है, अब ऐसा दिखता है वो। और अब हम इसके लिए लड़की देख रहे हैं, अब बस ये चाहते थे कि लॉकडाउन हो गया, पता नहीं क्या हो गया, वरना अब तक लड़की देख भी चुके हो तो शादी भी फिक्स हो चुकी होती है। अब बस जल्दी से इसकी शादी करानी है और इसकी शादी में भंगड़ा पाना है बहुत ज़्यादा। और आगे दिखाऊंगी मैं आपको और भी फ़ोटोज़। और ये है मैं, मम्मी पापा भी ऐसे दिखते हैं। तो मैंने आपसे शेयर की अपनी फैमिली की बहुत सारी पिक्चर्स, बताइएगा कैसी लगी आपको ज़रूर। पुरानी एल्बम अगर आपके घर में भी निकली है इस लॉकडाउन में तो कैसा लग रहा है आपको वो पिक्चर्स देखकर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स में, मुझे बताइएगा तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा यार। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, किसे बुरा लगता है, सबको अच्छा ही लगता है। कुछ खट्टी मीठी यादें सामने आ जाती है पुरानी एल्बम देखकर, वीडियोस देखकर, तो यही हुआ मेरे साथ भी। तो आगे की वीडियो बस ख़त्म करते हैं। कैसे लगे आपको मेरी ये पिक्चर्स मेरी फैमिली के बताइएगा ज़रूर। और पुरानी चीज़ें जो होती हैं जैसे पुराने पिक्चर्स देखकर याद आ जाती है अपने बचपन की और बहुत सारी चीज़ों की जो हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि घड़ी को हम वापस नहीं घुमा सकते हैं तो वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती हैं। और होता है लाइफ में, जब भी हम पहले वीडियोस वगैरह तो थे नहीं है ना, तो यही पिक्चर्स देखकर हम याद कर लेते हैं उन लोगों को जो अब हमारी लाइफ में नहीं है और जिनसे हम बहुत प्यार करते थे। और कुछ लोग हैं जो हैं लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत दूर हैं। तो आप भी शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइए कि क्या आपने भी लॉकडाउन के टाइम में ऐसे अपने पुरानी मेमोरीज़ कुछ देखी और याद की जो देखकर आप इमोशनल हो गए। और क्या कहूँ, बस तो यही है। देखा आपने मेरी पिक्चर्स, मेरी फैमिली से मैंने आपको मिलवाया, मेरे पापा मम्मी भाई और बाकी अभी की जो रिसेंट की उनकी पिक्चर्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि वो अब कैसे दिखते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आपको मिलवाऊँगी ज़रूर बाकी सब लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।